सर्वोत्कृष्ट धर्म ग्रंथों में से एक भगवत गीता। यह केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में मनुष्य के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर है। और यही नहीं, उसके जीवन में आने वाली समस्याओं, चिंताओं और शंकाओं का समाधान भी है। आज से हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ। तब उसी रणभूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के भीषण परिणाम और स्वजनों के नरसंहार की कल्पना से भयभीत होकर अपने शस्त्र डाल देने वाले अर्जुन को उपदेश देकर उसे उसके धर्म, कर्म और कर्तव्य का अभिज्ञान कराया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर उसे द्विधा मनस्थिति के चक्रव्यूह से बाहर निकाला था और उसे उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए फिर से शस्त्र उठाने के लिए प्रवृत्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसे ही महर्षि वेद व्यास ने शब्दों के द्वारा श्लोकबद्ध करके श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके 18 अध्याय और 701 श्लोक हैं। हजारों वर्षों पहले गीता के रूप में इस ग्रंथ के महानायक भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को जो ज्ञान दिया था, उसकी प्रासंगिकता इतनी स्पष्ट है कि आज भी जब हम अर्जुन बनकर अपने जीवन के युद्ध में किसी दुविधा या परेशानी में फंस जाते हैं, तो खुद भगवान श्री कृष्ण हमारे सारथी बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गीता का यह उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के पहले अध्याय से, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग।